साई 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 काका आओ अंदर आके बैठो। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं आपके पास। अपने पैर का इलाज कराने सुना है आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। मेरी मदद कीजिए साई, मुझे इस असहाय पीड़ा से निजात दिलाइए। इस पीड़ा के साथ मैं तिल तिल करके जी रहा हूं। मुझे इसने विकलांग बना दिया है। काका, तुमने खुद को तन से ही नहीं मन से भी विकलांग बना लिया है। बाहरी विकलांगता ठीक हो सकती है, लेकिन आंतरिक का क्या? शरीर की पीड़ा तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इतने समय से तुमने मन में जो पीड़ा भर रखी है उसका क्या? मैं कुछ समझा नहीं साहब। ऐसा कई बार कई लोगों के साथ होता है काका, जब कोई विकलांगता से पीड़ित होता है तो वो इंसान आत्मविश्लेषण आत्ममंथन करना बंद कर देता है, अपनी योग्यता को भुलाकर दुनिया की ओर देखने लगता है, सोचने लगता है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती होगी। मन में जब खुद के बारे में नकारात्मकता भरी हो तो विचार भी वैसे ही आएंगे, और यही कारण है कि वो हार मान लेता है। वो ये धारणा बना लेता है कि वो औरों से कमजोर है, इसलिए वो उनसे किसी भी क्षेत्र में मुकाबला नहीं कर पाएगा, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। इस तरह वो आत्मविश्वास खो देता है और खुद को इस दुनिया में और इस दुनिया के लिए अयोग्य समझने लगता है। उसकी हीन भावना उसे किसी बाहरी शत्रु या चोर डाकुओं द्वारा पहुंचाने जाने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी चोट या कमजोरी से इंसान प्रेरित हो जाता है दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वो किसी से कम नहीं है, और ऐसा इंसान दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लेता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो ऐसा कुछ कर लेगा जिसे करना किसी स्वस्थ व्यक्ति के वश में भी नहीं होगा। काका, तुमने भी तो ऐसा ही कुछ किया है ना? तुम नहीं चाहते थे कि कोई तुम्हें दूसरों से कमतर समझे, इसलिए परिश्रम करके तुमने खुद को इतना आगे बढ़ाया
कि सफलता तुम्हारे कदम चूमने लगे। अपने बूते पर तुमने कानूनी सलाहकार का व्यवसाय स्थापित किया, उसमें सफलता प्राप्त की। साझीदार जितनी कड़ी मेहनत की, बतौर सलाहकार तुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। इतना ही नहीं, दान पुण्य और लोगों के कल्याणार्थ कार्यों में भी तुम शामिल रहते हो। समाज में दबे, कुचले, पिछड़े, गरीब तबके के लोगों की आवाज बनकर तुम बॉम्बे परिषद में मुखर होते हो, जिससे गरीबों को जीवन में अवसर प्राप्त हो। भिकाजी की बेटी की पढ़ाई को लेकर मासूमों को न्याय दिलाने तक तुमने वो काम किए हैं जिससे दुनिया की नजर में तुम्हारी इज्जत और रुतबा बहुत बड़ा है। तुम समाज के माननीय हो काका। इतनी मेहनत तो तुमने अपने पैर को चोट लगने से पहले भी नहीं की थी। मैं ठीक कह रहा हूं? आपने सब कुछ बिल्कुल ठीक कहा। इस पैर की पीड़ा से अधिक मुझे मन की पीड़ा ने सताया है। मैं तो यहां ये सोचकर आया था कि यहां मेरे लगड़ेपन का इलाज होगा, लेकिन साई, आपकी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर जैसा भी है ठीक है। आखिर शरीर तो आत्मा का एक चोला भर है ना साई। अब मुझे अपने शरीर का लंगड़ापन दूर नहीं करना है, मेरी आत्मा का लंगड़ापन दूर करना है। मुझे सुकून चाहिए साई, सुकून। मुझे ईश्वर के करीब जाना। अल्लाह मालिक। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, 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 ये क्या? मेरे पैर का दर्द अचानक कम हो गया। ये तो होना ही था। जिसे साई का आशीर्वाद मिले उसके दुख दर्द तो कम होने ही हैं। शारदा आत्या, आप साई को समझ ही नहीं पाई हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जब आप साई से मिलेंगी तब आप उस भावना को महसूस करेंगी जिसकी मैं बात कर रहा था। फिर आप भी इन्हें अपना गुरु बना लेंगी। तुम थक गए होगे काका, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। शाम को यहां प्रवचन होता है, तुम भी आना। जी सर, लेकिन मैं यहां रुकूंगा कहां? आप मेरे साथ चल के रह सकते हैं, मेरा घर सामने ही है। इन्हें मेरे घर रुकने दो माधव, वैसे भी मैं अकेला ही हूं। पार्वती और माटन तो यमुना के घर पर ही हैं। इन्हें अपने हिसाब से रहने की जगह भी मिल जाएगी और मुझे भी साथ मिल जाएगा। प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई,
ये मेरा चचेरा भाई सूर्यकांत है और ये इसकी धर्मपत्नी रत्ना। ये दोनों बड़ी आस लेकर आए हैं आपके पास, बोलो ना। हाँ साईं, कुछ महीनों से मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। मैं जिस कारखाना में काम करता था वो बंद हो गया और लाख कोशिशों के बाद भी मुझे कोई दूसरा रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी में उधार लेके हमने दिन काटे और अब साहूकार छाती पर सवार है अपनी उधारी वसूलने के लिए। हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, हमारी मदद कीजिए साईं, हमारी मदद कीजिए। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन आज नहीं, तुम दोनों कल क्यों नहीं आते? कल मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। कल क्यों बुला रहे हैं? मैंने तो सुना था साई अपनी जेब से तुरंत पैसे निकाल के देते हैं सबको, फिर मुझे इंतजार करने के लिए क्यों कहा? वैसे तुम ठहरे कहाँ हो, पीवा के यहाँ? नहीं साई, मेरी छोटी सी झोपड़ी में बामुश्किल से मेरा परिवार समाता है, इसलिए इन्हें वही ठहराया है जहाँ आपसे मिलने आने वाले आपके सभी भक्त ठहरा करते हैं, धर्मशाला में। अच्छा साई, अब हम चलते हैं। सूर्यकांत जी रुकिए, मल्छापति जी मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं आपके यहां नहीं ठहर पाऊंगा। लेकिन क्यों काका सर? क्योंकि जहां साई से मिलने आने वाले सारे साई भक्त ठहरते हैं, मैं भी वहीं ठहरूंगा। धर्मशाला में। काका साहब वहां बहुत भीड़ रहती है, आपको बहुत असुविधा होगी वहां पर। हाँ काका साहब, आप जैसा व्यक्ति वहां कैसे रह सकता है? वहां सोने के लिए तो बिस्तर भी नहीं होता और वहां जो भी साई भक्त आते हैं वो अपना बोरिया बिस्तर अपने साथ लेकर आते हैं। जो भी है जैसा भी है, जैसे सारे साई भक्त रहते हैं मैं भी वैसे ही रहना चाहूंगा। सुनिए, क्या आप उस कोने में सो जाएंगे? ये मेरा ही परिवार है और मैं भी इन्हीं के साथ सोना चाहता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इनकी बांबी ही बंद कर दूं जिससे ये इधर आना जाना बंद कर दे। लेकिन इनका तो घर है ये।
जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे प्रणाम साईं। रात को ठीक से नींद आई ना? जी साईं, लेकिन कल रात मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। धर्मशाला में जगह बिल्कुल नहीं थी, तो मैं बाहर आकर बैठ गया। फिर मेरी आंख लग गई और रात में कोई एक कंबल मुझ पर डाल गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं चकित था। मुझे नहीं पता ये किसने किया, लेकिन इस कंबल की वजह से मैं ठंड से बच गया। मैं अपने उस मददगार को धन्यवाद भी नहीं कर सका। काका, अगर तुम चींटियों का ख्याल रखोगे तो किसी ना किसी को तुम्हारा ख्याल भी रखना ही होगा ना? जी। चिट्ठियों वाली बात आपको? मतलब ये कंबल आप सॉरी, जब आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। जी, वो देखिए, उस फकीर के पास एक नया आदमी बैठा हुआ है। कहीं ये वही देशद्रोही तो नहीं? ये तो काका सब दीक्षित है। उनके कुछ समय पहले सरकार इसके पास गए थे अपने जालसाजी के मामले में सौदा करने, और इसने सरकार को गांस में डाली थी। हाँ, तो चार बातें सुनाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। याद आया पंताजी, और सरकार ने इसका सारा गुस्सा हम पर निकाला था। हमारे एक हफ्ते की पगार काट ली थी उन्होंने। पर ये तो बहुत बड़ा वकील है ना, फिर वो इस फकीर के पास क्या कर रहा है? चलिए पता लगाते हैं। शाम को जब सरकार कोपर गांव से लौटेंगे तो ये खबर सुनकर हम दोनों जासूस को इनाम देंगे। सच्ची? चलिए। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। माफ करना सूर्यकांत, आज मैं तुम्हारा काम करना भूल गया। तुम दोनों कल आना। साईं की आज्ञा को मना नहीं करते। साई की हर बात में हमारा ही भला होता है। चलते हैं साई। चलिए।
मुझे अब घर वापस जाना होगा। दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़कर जाऊं, लेकिन एक मुकदमे की कचहरी में सुनवाई है, तो पसे घर वालों को बताकर भी नहीं आया था कि यहां आने वाला हूं। घर वाले कल से मेरी राह देख रहे होंगे, अगर आज नहीं गया तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है काका, जाओ, लेकिन काम पूरा करके दोबारा जरूर आना। साई, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये मुकदमा जीत जाऊं। मैं वादा करता हूं कि जीतते ही अपना वादा निभाने आपके पास आऊंगा। और कितना समय लगेगा? धर्मशाला में पैर रखने की जगह नहीं है, बहुत मुश्किल है वहां रहना। एक दिन की तो बात है, साई ने कहा है ना कल, तो कल हो जाएगा। आज हो ना यहाँ तो धर्मशाला में रहने से अच्छा है मेरे साथ चलो। पाटिल जी के खेत में मुझे खाद डालने और नाली बनाने का काम मिला है, और इसके लिए मुझे और 5 मजदूरों की जरूरत होगी। पैसे भी अच्छे मिल रहे, तुम मेरे साथ वो काम कर लो, तुम्हारा दिन भी कट जाएगा और तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे खेत में काम नहीं करना, कल साईं मदद कर देंगे, तो इंतजार कर लेता हूं, एक दिन की तो बात है। क्या वो दीक्षित उस फकीर से मिलने आया है? जी सरकार। क्यों? वो तो पता नहीं सरकार, लेकिन वो फकीर उस दीक्षित से कह रहा था कि जैसे ही उसका कार्य संपन्न हो जाए वो तुरंत लौट आए। उद्देश्य का पता क्यों नहीं लगाया? सरकार आपको तो पता है कि वो फकीर किससे सीधे सीधे बात नहीं करता है, हमेशा घुमा फिरा के कहता है। केवल एक आप ही इस गांव में इतने समझदार है जो उसकी लच्छेदार बात को समझ सकते हैं। यही सोचकर हम आपको बताने आ गए। जी सरकार। सही कहा। उस गंगाराम को मैंने कारावास भेजने की धमकी दी थी, और ये दीक्षित अधिवक्ता है। हो ना हो, वो फकीर अपना मुकदमा लड़ने के लिए उसे मना रहा होगा। वो दीक्षित बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, उसके सम्मान, उसकी पैठ अंग्रेज सरकार में अच्छी है। यदि वो फकीर का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो गया तो मुझे उससे कड़ी टक्कर मिलेगी, कठिनाई होगी मेरे लिए। इसलिए जब वो दीक्षित दोबारा शिरडी आएगा तो मैं उस दीक्षित के कान भर दूंगा उस फकीर के विरुद्ध। फिर देखता हूं उस फकीर की कौन मदद करता है। अरे ओ, एक दिन रुक जाना, कल मैं निश्चित ही तुम्हारी मदद करूंगा। साहिब, क्या मैं नारियल किसने में आपकी मदद करूं? नहीं भीवा, मैं कर लूंगा। जानते हो, काका आने वाला है और मैं अपने हाथों से उसके लिए नारियल की मिठाई बनाना चाहता हूं, उसे बहुत पसंद है। अच्छा, चलते हैं साहिब। तुमने तो कहा था कि साई ने आज तक किसी को मना नहीं किया, लेकिन देखो
वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनका सारा ध्यान काका साहब पर ही है। हमसे तो वो ठीक ढंग से बात भी नहीं करते। काका साहब साई को कुछ ज्यादा ही प्रिय हो रहे, लेकिन मुझे साई पर पूरा भरोसा है। उनके मन में कुछ तो है। चलिए। तुम्हारे लिए भाकरी लाई हूं। युवा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। काशीनाथ को त्रिंबक और चिंतामणि के लिए अनाज का गोदाम बनाना है। कुछ मजदूर चाहिए थे। तुम चलोगे? दिन का 5 आना मिलेगा। जरूर चलूंगा। तुम भी चलो, तुम्हारी भी कमाई हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं मजदूरी नहीं करूंगा। अपने स्तर से नीचे गिर के मैं कोई काम नहीं करूंगा। कारखाने का कर्मचारी था, मजदूर नहीं। और वैसे भी मेरा मन बहुत अशांत है साई के इस रवैये से। तुम जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। चलो चंदा। उधर कचहरी की कार्रवाई 1 घंटे में शुरू होने वाली है और इधर काका साहब का अभी तक पता ही नहीं है। धीरज रखो, काका आ जाएगा। काका ने आज तक अपने काम का नुकसान नहीं किया है और ना ही किसी का होने दिया है। आपके मुंह में घी शक्कर, आज फैसला होना है। अगर मैं मुकदमा जीत गया तो मुझे 25,000 का फायदा होगा, और काका साहब अगर नहीं आए तो न्यायाधीश मेरे खिलाफ फैसला दे देंगे। तुम जरूर जीतोगे। और हां, जीतने के बाद मुझे मिठाई खिलाना मत भूलना। मिठाई तो खिलाऊंगा ही, और अगर मैं मुकदमा जीत गया ना तो जीत की खुशी में अपने तरफ से काका साहेब को 1,000 रुपए दूंगा। बस काका साहेब जल्दी से आ जाए। कहां रह गया ये काका? उसे कहीं और जाने की भी कह के गया है क्या? उसे तो 2 दिन पहले आ जाना चाहिए था। आज अगर वो नहीं आया तो पूरे 1,000 रुपए गए हाथ से। कहीं वो उस फकीर के पास शिरडी तो नहीं चला गया? अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अन्नपूर्णा, रुको। काका, 2 दिन से कहां था तू? कोई खोज खबर नहीं? हम लोग तेरे लिए कितने परेशान थे पता है? आद्या, आपने कहा था ना कि साई के बुलाने पर ही मैं शिरडी जा सकता हूं। आप जानती हैं, जब मैं अहमदनगर में मेरी करजी के घर पहुंचा तो वहां साई ने 2 लोगों को भेजा था मुझे लेने के लिए, और वहां से मैं सीधे शिरडी चला गया और साई से मिला। साई, तुम उस सूर्यकांत की मदद क्यों नहीं कर रहे हो? वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। उसे ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी दिलचस्पी सिर्फ काका साहेब में है। सूर्यकांत की बात छोड़ो, अब तो भीवा को भी ऐसे ही लगने लगा है।
दूसरों की सोच पे हमारा वश नहीं है भाई सामा। मैं तो बस राम जी की इच्छा का पालन कर रहा हूं। जहां तक सूर्यकांत का सवाल है, जब राम जी की मर्जी होगी तभी उसकी मदद हो पाएगी। साईं एक बात पूछूं, जब काका साहेब यहां आए थे तब तुमने उनका ख्याल रखा था, उन्हें भरपूर समय भी दिया था, अभी भी उनके बारे में ही सोच रहे हो? वो आने वाले हैं इसलिए उनके लिए मिठाई बना रहे हो, क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? बैजामा, जो इंसान राम जी की इच्छा पूर्ति का जरिया बनने वाला हो उसका ख्याल रखना तो मेरा कर्तव्य है ना। जमीन लेने वाला कोई और नहीं बल्कि काका ही है। वो फकीर तुम्हें जानता भी नहीं है तो तुम्हें बुलावा कैसे भेज सकता है, और उसे कैसे पता चल सकता है कि तुम मेरी करके घर में ही मिलोगे? आप जब साई से मिलेंगी ना तो सब समझ जाएंगे। आते हैं, साई सर्वज्ञानी है। हम भले साई से ना मिले हो लेकिन साई हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, और ना सिर्फ जानते हैं बल्कि हमारी फिक्र भी करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। आपने उनका प्रभाव नहीं देखा, आते आपने मुझे आने के बाद गौर से देखा नहीं। साई से मिलने के बाद मुझ में कितना बदलाव आया है देखिए। मुझे अब मैं बूझा बूझा नहीं बल्कि चहक रहा हूं। इतना ही नहीं, मेरे पैर का दर्द भी कम हो गया है। और मैं बिना कष्ट के चल सकता हूं। मुझे जीवन में एक नया दृष्टिकोण मिल गया है। बेकार की बातें कर रहा है तू, देखा है अच्छे से तुझे, लंगड़ा था तो तू अब भी है। उस फकीर ने जरूर तुझे कुछ खिला पिला दिया है तभी तुझे अपना दर्द कम लग रहा है, और ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू। आत्या, आप माने ना माने लेकिन मैंने साई को अपना ईश्वर मान लिया है। काका, देर हो रही है कचहरी के लिए, वहां सुनवाई शुरू होने वाली होगी। मुकदमा जीतने के लिए मेरा साझेदार अपने साथ झूठा गवाह लेके आने वाला है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मुझे साई ने जीत का आशीर्वाद दिया है, और आप सच्चे हैं। जहां साई और सच्चाई हो वहां जीत निश्चित है, इसके आगे कोई झूठा गवाह नहीं दिखेगा। चलिए चलते हैं, चलता हूं। ये सब तो ठीक है साईं, लेकिन सरकार ने जो मोहलत दी है उसमें सिर्फ 7 दिन बचे हैं। काका साहेब समय पर लौट आएंगे ना? मेरा काका जरूर आएगा। आने दे काका को, अच्छे से खबर लूंगी मैं। उस वक्त कचहरी के लिए देर हो रही थी इसने चुप रही, लेकिन अब नहीं। लेकिन आत्या, अगर साई से मिलकर उनका भला हुआ है, उनकी पीड़ा कम हुई है, तो इसमें बुरा ही क्या है? तो चुप ही रह, हमेशा ही गलत सलाह देती है। उस फकीर ने बहला लिया है काका को। मेरा काका अमीर है, सफल इंसान है, वो समाज में रुतबा है उसका। ऐसे लोगों को ये फकीर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैं काका से साफ साफ कह दूंगी, अगर वो उस फकीर से मिलने दोबारा गया तो फिर काका मेरा चेहरा दोबारा नहीं देखेगा।
खाका कुछ भी कर ले, मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। शारदा आत्या, ये लीजिए मिठाई। मुकदमा जीत गए? जिसके साथ काका साहब दीक्षित हो वो हार सकता है क्या? वो झूठा गवाह, काका साहब के सवाल का जवाब दे ही नहीं पाया, सच बोल दिया। मैंने उपहार के 1000 रुपए और मिठाई काका साहब को देने चाहे, पैसे तो रख लिए, मिठाई बोले आपको जाकर घर पर दे दूं, और सूचित करूं कि वो घर पर नहीं आ रहे, वो उधर से ही शिरडी जा रहे हैं। अच्छा चलता है। अच्छा आप नाराज मत होइए, सामान बांधो, हम इसी वक्त शिरडी जा रहे हैं। उस फकीर ने जरूर कुछ खिला पिला दिया है मेरे काका को, वरना मेरा काका मुझसे पूछे बिना घर से बाहर तक नहीं जाता। अब तो अति हो गई, अब तो शिरडी जाकर ही काका के सर से गोद उतारूंगी मैं उस फकीर का। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। आज आपने बुलाया था, आज तो हमारी मदद कर दीजिए। तुम्हें थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी सूर्यकांत। साईं हमारा मजाक मत बनाइए, मैं इतने दिनों से आपके पास यहाँ आ रहा हूँ, आप ना तो हमें मना कर रहे हैं ना ही हमारी मदद। अगर आपको हमारी मदद नहीं करनी है तो हमें साफ साफ बता दीजिए, इस तरह हमें लटकाए रखना क्या आपको शोभा देता है? हम बड़ी उम्मीद लेकर आए थे, हमारी भावनाओं के साथ इस तरह से खेलने का आपको कोई हक नहीं है साईं। बस बहुत हो गया, अब हम इस तरह आपको हमारा मजाक उड़ाने नहीं देंगे, हम जा रहे हैं और दोबारा कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। प्रणाम साईं। आओ काका, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। देखती हूँ उस फकीर को कैसे मेरे काका को अपने वश में कर पाता है। मैं भी एक महंत की पत्नी हूँ और मुझ पर उस फकीर का जादू टोना नहीं चलने वाला। ए बढ़िया, चलो उधर। ए बढ़िया, देख नहीं रहा तुझे, तेरी वजह से सरकार की पालकी रुक गई है, चल हट यहाँ से। नहीं हटूंगी। तुम शिरडी वाले क्या समझते हो, सारी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलेगी? ए, क्या बकवास कर रही है, क्या तू नहीं जानती इससे बात कर रही है? ए, मुझे जानकर क्या करना है मुझे, मैं बस अपने काका को यहाँ से वापस ले जाने के लिए आई हूँ। काका? काका साहब दीक्षित। जिससे तुम शिरडी वालों के तथा कथित भगवान यानी के उस फकीर ने अपने वश में कर रखा है, मैं तुम सबको चेतावनी दे रही हूँ, मेरे होते हुए कोई साई वाई मेरे काका को बरगला नहीं सकता। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, चाहे तुम्हारा साई कुछ भी कर ले, मैं अपने काका को उससे दूर ले जाकर रहूंगी। चलो। साई,
मैं आपके आशीर्वाद से वो मुकदमा जीत गया और जीतते ही अपना वादा निभाने के लिए सीधे आपसे मिलने चला आया। साई, आपने मेरा जीवन बदल दिया, इसलिए मैं आपके लिए एक भेंट लाया हूं। मेरे मुवक्किल ने मुकदमा जीतने की खुशी में ये 1,000 रुपए मुझे उपहार स्वरूप दिए हैं। साई, आपके आशीर्वाद से ही मैं वो मुकदमा जीता हूं, इसलिए ये मैं आपको दे रहा हूं। से परे कह रहे थे, देखो उन्हें, अब समझ में आया क्यों वो काका साहब पर इतने मेहरबान थे। अब मैं यहां एक और पल भी नहीं रह सकता, जा रहा हूं मैं। रुको सूर्यकांत, तुम नाराज हो ना मुझसे कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? लेकिन मैं तो पिछले 2 दिनों से तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी मदद कब? 2 बार तुम्हें काम देने की कोशिश की, पहली बार खेतों में काम करवाना चाहा और दूसरी बार गोदाम बनवाना चाहा, लेकिन तुमने दोनों बार मना कर दिया। तुम अपने पैरों पे खड़े हो सको इसके लिए मैं कोशिश कर रहा था, और तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें गोदी में उठा के ले चलूं। एक बात याद रखो सूर्यकांत, ईश्वर उसी की मदद करता है जो मदद लेना चाहता हो, जिसमें श्रद्धा और सबूरी हो, मेहनत करने की इच्छा हो। अगर तुम यही लगन और मेहनत दिखाते तो तुम्हें आसानी से दूसरा काम मिल जाता, लेकिन तुम उतने ही पैसे और वही सम्मान चाहते थे जो तुम्हें तुम्हारी पहली नौकरी में मिल रहा था। शायद तुम भूल गए सूर्यकांत कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तब शुरुआत में हमें अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती है। शुरुआत में ये सोच लेना कि हमें मुंह मांगे पैसे मिल जाएंगे, ये तो गलत है। इंसान की काबिलियत देखी जाती है, उसकी पात्रता के हिसाब से पैसे मिलते हैं उसे, और तरक्की भी। मैं ठीक कह रहा हूं ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साई, ऐसा नहीं है कि इन्हें काम नहीं मिलता। काम तो मिलता है, लेकिन हमेशा ये उस काम को ये कहकर ठुकरा देते हैं कि मेहनत आना बहुत कम है और वो काम इनके स्तर का नहीं है। परिश्रम करने से ही सब कार्य संपन्न होते हैं, बस मन में सबूरी होनी चाहिए। परिश्रम करके कुआं खोदने पर कठोर धरती से भी शीतल जल निकल आता है। सूर्यकांत, तुम इतनी दूर से यहां आए, यहां रहे, धर्मशाला में होने वाली कठिनाइयों का सामना किया,
रोज रोज मेरी ना सुनी, खुद को उपेक्षित महसूस किया, अपमानित महसूस किया। तुमने इतनी सबूरी दिखाई, इतना इंतजार किया, इसीलिए ईश्वर ने तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम किया है। इन पैसों से अपना कर्ज चुकाओ, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो, मेहनत करो और तरक्की हासिल करो। तुम्हें जल्द ही वो पद और मेहनताना मिलेगा जिसकी तुम्हें अपेक्षा है। साईं, साईं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको समझ ही नहीं पाया, आपका अपमान तक कर दिया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ये जानकर मुझे खुशी हुई सूर्यकांत। ये पैसे लो और जाकर अपना कर्ज चुकाकर यहां वापस आ जाओ। नहीं साईं, अब मुझे आपसे ये सब कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। अब मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाऊंगा, आप इसे अपने पास ही रखिए। ये पैसे तो मेरे लिए मिट्टी समान है, और ये पैसे तुम्हें यूं ही नहीं मिल रहे हैं सूर्यकांत, ये उस काम की पेशगी समझो जो तुम्हें बहुत ही जल्द मिलने वाला है। इसीलिए तो तुम्हें वापस बुलाया है। लो। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा धन्यवाद धन्यवाद साईं, बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए। भालसापति जी, जी साईं, बाकी के पैसे आप संभाल कर रखिए, इनकी शीघ्र ही जरूरत पड़ेगी। जी साईं। मेरे काका के पैसे लुटाकर ये फकीर वाहवाही लूट रहा है, ये मैं होने नहीं दूंगी। श्रम ही ते सब होत है जो मन राखे धीर, श्रम ते खोदत कूप जो थल में प्रगटे नीर। इससे अच्छा पैसों का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। बंद कर अपनी बकवास। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले इस फकीर से निपट लूं। बड़ी दूर से आई हैं आप, अंदर बैठ के बात करते हैं शारदा ताई। तुझ जैसे फकीरों की ताई नहीं हूं मैं, और ऐसी अशुद्ध जगह में मैं अपना पांव भी नहीं रखती हूं। काका के पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था
कि मैं उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होने दूंगी। तो जैसे फकीर को काका का धर्म भ्रष्ट करने दिया तो लानत है मुझ पे। ऐसा मत कही आत्या। तू तो चुप ही रहे। अच्छी तरह से तेरी चाल समझती हूं मैं। पैसों के लिए मेरे भोले वाले काका को बहका के अपने वश में कर लिया है तूने। साई ने काका से एक आना भी नहीं लिया है, मगर उसके पैसों से वाहवाही तो बटोरी है। आज दान के बहाने लिया है, कल अपने लिए लेगा। अगर काका के पैसों पे किसी का हक है तो सिर्फ हमारा। क्या जरूरत है आपको पैसों की? क्यों नहीं, पैसों की जरूरत तो सबको होती है। खाना, कपड़ा, मकान सब पैसों से ही तो मिलता है। और उससे क्या मिलता है? सुख, चैन, सुकून। तो क्या सुख, चैन, सुकून आपको पूजा पाठ और दान धर्म से नहीं मिलता है? बोले भले गांव वालों को अपने बातों में फंसा मत फकीर। नमस्कार, मैं कुलकर्णी सरकार, शिरडी का मुखिया। आप मेरे पालकी के सामने आई थी, तब मुझे पता चला इस फकीर ने आपके साथ क्या किया। ये है ही ऐसा? इतने वर्षों से गांव वालों को इसकी वास्तविकता दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, पर इन सब की मती मार रखी है इसने। अपनी इसी तरह चिकनी चुपड़ी बातों से बहकाता है ये सबको। आपके भतीजे को इसके जाल से बचाने के लिए यहां आने का आपको पूरा अधिकार है, और इस काम में आपको जो मदद चाहिए वो मैं करूंगा, ये मेरा वचन है। साई ने किसी को नहीं बहकाया है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। आत्या, आत्या आप कुछ देर साई के साथ बैठकर समय तो बिताइए। ऐसा सोचिएगा भी मत वहिनी, ये फकीर आप पे भी काला जादू करके बहका देगा आपको, आपको वश में कर लेगा। आप थक गई होगी, मेरे वाड़े में अतिथि गृह है, आप वहां रह सकती है। आपका आतिथ्य करके मेरे पत्नी को प्रसन्नता होगी। मैं तो आपको जानती भी नहीं, तो हम आपके यहाँ कैसे रह सकते हैं? आतिया, आप मेरे साथ धर्मशाला में रहिए, मैं वहां आपको सब कुछ समझा दूंगा। वो टूटी फूटी धर्मशाला, वो तो आप जैसे सभ्य लोगों के रहने के लायक नहीं है। वहां तो हर जाति धर्म के लोग आते हैं, न जाने कौन शास्त्रों का पालन करता है कौन नहीं। ऐसे लोगों के बीच आपको रहना शोभा देगा क्या? भतीजे का धर्म बचाने के चक्कर में आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा।
लेकिन आप हमारे लिए इतनी परेशानी उठाने के लिए क्यों तैयार हो? इस गांव का मुखिया होने के नाते ये मेरा प्रथम कर्तव्य है कि आप जैसे प्रतिष्ठित लोगों को शिरडी में कोई कष्ट न होने दूं। और दीक्षित जी, आपसे भी विनती करता हूँ, आप भी हमारे साथ चलिए, छोड़ दीजिए इस कपटी का साथ। साई का साथ तो मैं नहीं छोड़ सकता, और जो मेरे साई की इज्जत ना करे उस घर में तो मैं कदम भी नहीं रखूंगा। और ना ही अपने परिवार वाले को रखने दूंगा। जब तूने मेरी बात नहीं मानी और यहां आ गया तो मैं क्यों तेरी बात मानू? और तू मुझे यह बताने का हक खो चुका है कि मैं कहां रहूंगी। तेरे पिताजी को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए मैंने अपनी गृहस्थी बुला दी, तेरे साथ रही। तू इतना सब बच्चा था, तब से तेरी जिंदगी से जुड़े सारे फैसले मैंने लिए हैं। जब तक तू इस फकीर से मिला नहीं था तब तक तुझे मेरे किसी फैसले से समस्या नहीं थी। मेरी बात मानकर ही तो इतना बड़ा आदमी बना है तू। ये सब जानने के बाद भी तू इस फकीर का अनुसरण कर रहा है, ये तुझे सीधे सीधे गुमराह कर रहा है, तेरा धर्म भ्रष्ट कर रहा है, तेरी मति मार दी है इसने। जब से तू इस फकीर से मिला है मेरे हर फैसले पर सवाल उठाने लगा है तू। आते आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे जरूरत तो तुझे है समझने की, मेरी बात कान खोल के सुन ले। जब तक तेरे आंखों पर इस फकीर के नाम की पट्टी बंधी है हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। हम सरकार के यहां रहेंगे। और अन्नपूर्णा, तू मेरे साथ रहेगी। आत्या, मैं अपने पति को छोड़कर कहीं और कैसे रह सकती हूँ? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। काका को तो मेरी कोई परवाह नहीं रही, क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगी? ठीक है आत्या, मैं आपके साथ ही रहूंगी। चलिए। आज तो बड़ी तेज धूप है, अगर सर पे ये बोरी ना होती तो ये चिलचिलाती धूप झुलसा देती मुझे। मेवा, साई ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। तुम्हारे घर के बाहर जो ये पुआल के सूखे गट्ठर रखे हैं उन्हें तुम अंदर या किसी छायादार जगह में रख दो। हाँ, साई ने मुझसे एक बार कहा था
ठीक है, मैं बाद में रख दूंगा। बाद में नहीं, उन्होंने तुरंत रखने के लिए कहा है, जल्दी से जल्दी। चंदू, ये बोरी पहुंचाना बहुत जरूरी है, एक बार पहुंचा दूं फिर आकर ये रखता हूं। साई, प्रणाम साई। मुझे एक लोटा पानी चाहिए। आज साई ने भिक्षा में पानी क्यों मांगा? जी साई, अभी लाए। तो मेरे घर की तरफ बढ़ रही, मेरा परिवार अंदर है, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा बच्चा। हे भगवान, मेरे पास इतना समय नहीं कि जाकर मैं कुएं से पानी ला सकूं और आग बुझा सकूं, मेरा परिवार। मेरा बच्चा, तेरी बीवी। साईं, शुक्रिया। किसी की मदद कर रहे थे ना? गोपाल, गोपाल, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। सुभद्रा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? तुम ठीक तो हो ना? अचानक इस सूखी हुई घास में लगी हुई आग बुझ कैसे गई? पाओ, ये सब साई के कारण। साई? हाँ, अभी कुछ देर पहले साई मेरे घर आए थे।
आपने मेरा घर, मेरा परिवार बचा लिया। आज अगर आप ये चमत्कार नहीं करते तो मैं सब कुछ खो बैठता साई, मैं सब कुछ खो बैठता। विवा, अगर तुम पहले ध्यान देते तो ये आग लगती ही नहीं। सूखी घास तेज धूप में बहुत जल्द आग पकड़ लेती है। गर्मी के दिनों में तुरंत आग पकड़ने वाली किसी भी चीज को हमें धूप में नहीं रखना चाहिए, खासकर उन दिनों जब सूरज की किरणें आग उगल रही होती हैं। तेज धूप नमी को सोख लेती है, ऐसे में ज्वलनशील चीजें बहुत जल्द आग पकड़ लेती हैं। अगर हमारे पास छायेदार जगह ना हो और इनकी जरूरत हमें हमेशा पड़ती हो तो हमें इन्हें ऐसी जगह रखना चाहिए जहां खतरा कम हो। आग लगे भी तो फैले नहीं, उससे नुकसान ना पहुंचे। साई, आपने मुझे पहले भी सचेत किया था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी साई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। राम जी भला करें।